हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एस डायरीज। आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी है चिकन फहीटा कैसेडिलास। ये बहुत आसान रेसिपी है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो चलें लेते हैं अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चलते हैं हमारे किचन में बनाना स्टार्ट करते हैं फहीटा चिकन कैसेडिलास। फहीटा चिकन के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 पिंच ग्राउंड क्यूमिन, 1 टीस्पून ग्राउंड कोरिएंडर, 3 टेबलस्पून ऑयल। ये सब कुछ डालकर चिकन जब तक अच्छे से बन ना जाए उसे पकाते रहें। हम बाज़ार से 8 टॉर्टिलास का पैकेट लेके आए हैं। 8 टॉर्टिला ब्रेड से आपके 4 कैसेडिलास बनेंगे। टॉर्टिलास आप किसी भी अच्छी कंपनी के ख़रीद लें। तो चलें अब हम सॉस बनाने की तरफ को चलते हैं। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप मायोनीज, 1/4 कप चिली गार्लिक। अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमारी सॉस तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, स्पेशली मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए ये बनाना बहुत आसान है, तो इसको डेफिनेटली बना के ट्राई करें। तो चलें अब हम अपने कैसेडिलास की तरफ को चलते हैं। हम अपने टॉर्टिला का पैकेट खोलेंगे। सबसे पहले हम उसके ऊपर सॉस लगाएंगे। एक टिप मेरी ये है कि जब आप अपना चिकन बना लो तो उसे पहले से ही इक्वली 4 पोर्शंस में बांट लें, ताकि हर कैसेडिला में चिकन इक्वल क्वांटिटी में आए। अब हम अपना चिकन स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग कॉर्न से करेंगे। जितनी कॉर्न आपको पसंद है उतनी आप इसके ऊपर डाल लें। कॉर्न के बाद आता है एलोपिनो। एलोपिनो की क्वांटिटी भी बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर है। जितनी एलोपिनो आपको पसंद है, ज़्यादा कम, उस हिसाब से आप अपने कैसेडिलास के अंदर अपनी एलोपिनोज रखें। 4 कैसेडिलास बनाने के लिए हमारी 400 ग्राम्स चीज़ यूज़ हुई है, जिसमें से 200 ग्राम्स मोज़रेला थी और 200 ग्राम्स चेडर थी। आपने चीज़ के भी 4 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं, ताकि चारों कैसेडिलास में इक्वल अमाउंट आए चीज़ का भी। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर डल जाएंगे तो तब दूसरी टॉर्टिला ब्रेड लेकर इसको बंद करके एक सैंडविच बना लें। उसके बाद एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें, जिसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दें और उसे गर्म होने के लिए रख दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसे अच्छे से फ्राई पैन में स्प्रेड कर लें और फिर बड़े आराम और तरीके से अपने कैसेडिला को इसके अंदर शिफ्ट कर दें। तकरीबन 3 मिनट के लिए कैसेडिलास की दोनों साइड्स को फ्राई कर लें। जब कैसेडिलास की दोनों साइड फ्राई होकर इस कलर की हो जाएगी, मतलब आपके कैसेडिलास सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स। ये बहुत इजी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसे बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं। और जब तक हमारी न्यू रेसिपी आती है, हमारी तरफ से बाय।